नमस्कार दादी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कभी कभी प्रेरक चीज़ें अच्छी लगती हैं, शेयर करता रहता हूँ। दादियों, घटना है आज़ादी के पहले की, जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे। ग्वालियर में सिंधिया राजा थे। कहानी है कि परिवार की एक बंदा था जो रावल सिंह, परिवार के साथ रहता था, सब कुछ सही चल रहा था। जो रावल सिंह ने हालत ख़राब हो जाने पर कई महाजनों वगैरह से जो है कर्ज ले रखा था, लेकिन इस बीच जो है ना उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाहूकार जितने भी थे सूद के लिए और वसूली के लिए आने लगी घर पर। घर पर उसकी बहन थी एक पद्मा, बहुत परेशान हो गई क्योंकि शेर शाहूकार सूदखोर ऐसे होते हैं, आज भी लोग इनसे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। पद्मा को कुछ नहीं समझ में आया क्या किया जाए। उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसको ले पाना शायद संभव नहीं है। नारी इतिहास में ऐसी हुई हैं जिन्होंने जो है इतिहास कायम किया, झांसी की रानी, अहिल्या बाई। तो पद्मा ने सोचा क्या किया जाए, जब जीवन का कोई रास्ता नहीं दिया दिखा, तो उसने कहा चलो अपना वेश बदल लेते हैं और महिला से जो है पुरुष का वेश धारण किया और राजा के यहाँ जो है जो फौज में भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया। फिर जो आदमी ठान लेता है तो करता है, रहता है, कुछ ना कुछ कर जाता है। पद्मा भर्ती हो गई और युद्ध में जहाँ भी जाती वीरता से लड़ती, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बात तो है, सच कभी ना कभी निकल ही आता है। एक दिन जब वो नहा रही थी तो किसी सैनिक ने उसको देख लिया, हाहाकार मच गया, ये रे तो औरत है, तो औरत है, कैसे जो है भर्ती हो गई। खैर शिकायत की गई राजा से उसको, उसकी राजा ने बुला के पूछा ये बताओ तुम महिला हो पद्मा, लेकिन तुम यहाँ क्यों भर्ती हो गई हो, जानती हो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। पद्मा ने कहा ठीक है, अब मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैंने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए और मेरा भाई जिसकी डेथ हो गई थी उसे साहूकारों वगैरह से कई काफ़ी कर्ज ले रखा था, उसको चुकाने के लिए ये रास्ता चुना है और मुझे स्वाभिमान से जीना था और घुट घुट के मरना नहीं था, और मेरे भाई ने जिन लोगों से कर्ज लिया था उनका कर्ज भी अदा करना था, मैंने सभी का कर्ज आज अदा कर दिया है। अब महाराज जो थोड़ा बहुत कर्ज बचा है वो भी मुझे देना था, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दें या जो सजा देना हो दे दें। वो जो ग्वालियर के राजा थे उसकी सच्चाई वीरता और स्वाभिमान से इतना प्रभावित हुए कि
उन्होंने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया। यही नहीं, खुद उसकी जो शादी थी वहीं उनकी उनकी फौज में एक अफसर था, उससे उसकी शादी भी करवा दी। आज महिला भी अगर कुछ सोच लेती है, कर डालती है, इतिहास में ऐसी महिलाओं का नाम होता है। साथियों, मिलता हूँ फिर कुछ लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे चैनल को जो बहुत शेयर किया है, सब्सक्राइब करवाया है। मिलता रहूँगा, मुझे कोई TRP वगैरह की आशा नहीं है, ना धन की आशा है, किसी चीज़ की आशा नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है कि समाज में अच्छी संस्कृति का निर्माण हो और गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए मेरा चैनल जाना जाए। साथियों, मिलता हूँ फिर।